हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली डिस्चार्ज रोकने के 3 नेचुरल तरीके के बारे में। तो अगर आप भी ये 3 तरीके जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है लिंग में इरेक्शन कैसे आता है, अंदर के पूरे प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो अगर आप भी ये प्रोसेस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्ली डिस्चार्ज क्या होता है। अर्ली डिस्चार्ज यानी प्री मेचर एजुकुलेशन या हिंदी में शीघ्र पतन। सेक्स करते वक्त बार बार 1 मिनट से भी कम टाइम में या पार्टनर को छूते साथ डिस्चार्ज हो जाना, वीर्य निकल जाना, शीघ्र पतन या प्री मेचर एजुकुलेशन कहलाता है। अक्सर लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अपने पार्टनर को खुश या सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, उनका सेक्स टाइम बहुत ही कम हो जाता है जिससे उन्हें स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होने लगता है जो उनके हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट डालता है। तो आइए जानते हैं वो 3 नेचुरल तरीके जिससे आप अर्ली डिस्चार्ज को रोक सकते हैं। फर्स्ट मेथड, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। सेक्स के दौरान सेंसेशन आते ही रुक जाना और फिर से स्टार्ट करने को स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कहते हैं। मतलब आपको संबंध बनाने के दौरान जैसे ही लगता है कि क्लाइमेक्स या सेंसेशन आने वाला है, वीर बाहर आ सकता है, वैसे ही आपको रुक जाना होता है और फिर 30 सेकेंड रुक के स्टार्ट करना होता है। ये टेक्निक को आप जितना चाहे उतना बार कर सकते हैं। रुकने के दौरान आप अदर एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे ब्रेस्ट को छूना, योनि को रब करना, अदर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे हल्का इधर उधर टहलना। बस वहां से आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, सेंसेशन को खत्म करना है। जैसे ही लगे सेंसेशन खत्म हो गया है तुरंत फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा बार बार किया जा सकता है और जितना चाहे उतना देर तक आनंद लिया जा सकता है। बट इस दौरान ये बात का एकदम ध्यान रखिए कि लिंग से तनाव या इरेक्शन ना जाए वरना आपका मजा खराब हो सकता है। ये टेक्निक बहुत सिंपल और इजी है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। सेकेंड मेथड, स्क्विज टेक्निक। स्क्विज इसका मतलब ही होता है दबाना। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जैसे ही आपको लगता है क्लाइमेक्स या एजुकुलेशन होने वाला है आप तुरंत पेनिस या लिंग के टिप पर हल्के प्रेशर के साथ प्रेस कर दीजिए। इससे हल्का पेन होता है पर एजुकुलेशन रुक जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जब आप संबंध बनाने वक्त एकदम पिक पर होते हैं, वीर्य निकलने वाला होता है, क्लाइमेक्स या एजुकुलेशन होने वाला होता है, तो लिंग के फोरहेड पर थोड़े प्रेशर के साथ प्रेस कर दीजिए जिससे पेन के कारण कुछ देर तक वहाँ का सेंसेशन खत्म हो जाएगा और वीर्य का निकलना रुक जाएगा और आप देर तक संबंध बनाने का आनंद ले पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को हाई कर पाएंगे। इस टॉपिक को मैंने इमेज के साथ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। थर्ड मेथड, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज पेल्विक मसल एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है जिससे आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है अर्ली डिस्चार्ज या प्री मेचर एजुकुलेशन पर। रेगुलर कीगल एक्सरसाइज करना आपका सेक्स टाइम तो बढ़ाता ही है, साथ में आपके पेल्विक मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपका सेक्सुअल ऑर्गन भी फंक्शन में रहता है। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से आपकी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही आप प्रिकॉशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके सेंसेशन को डिक्रीज करता है और आपके टाइम को बढ़ा सकता है। तो आप इन 3 तरीके से प्री मेचर एजुकुलेशन को रोक सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडवाइस की। तो एडवाइस यही है कि आप 3 तरीके को अच्छे से फॉलो कीजिए, सही टाइम पर फॉलो करके बेनिफिट जरूर मिल सकता है। इसके साथ ही आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका होल्डिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी डाइट में आप हरी सब्जियां, विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन से भरे फूड या फ्रूट खा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।